राजधानी दिल्ली रा मैडम सीए केजरीवाल का सरकारी बंगला नवीकरण रे बड़ा विवाद। पत्नी का इशारा रे बदलुची सरकारी बंगला रा रूपरेख। नेता मंत्री करुछंती मैडम सीएम को जिहजुरी। जातीय गणमाध्यम रे प्रचार परे सरगरम हला राज्य राजनीति। स्वप्न देखिले पत्नी दिल्ली जनता अरविंद केजरीवाल को बाछिले मुख्यमंत्री, किंतु पावर हतई मुख्यमंत्री का पत्नी। मुख्यमंत्री का सरकारी बंगला अर्थात शीस महल। शीस महल नवीकरण लगे खर्च हो 45 कोटी अबा अधिक भी हो पारे। एबड़े जातीय गणमाध्यम तथ्य कहूँ सरकारी बंगला निर्माण रे खर्च हो 52 कोटी अधिक टंका। किंतु यह सरकारी बंगला रे सरकार इच्छा चलुची तो ना एही बंगला मुख्यमंत्री सत हेले महलर गोटे गोटे इटा मुख्यमंत्री धर्म पत्नी सुनीता केजरीवाल को इच्छा रे लगी। खटठु नहीं झरका जाए सबुर क्वालिटी हाई क्लास से भी पुणी धर्म पत्नी चॉइस से तो मैडम को डका जाऊँ मैडम सीए। अंगुठी बुलाइले बदलुची बंगलार कोण अनुकोणर रूपरेख। आउ बड़ बड़ सरकारी अधिकारी ठारु नहीं नेता मंत्री जाए सभी साजिंट मैडम सीएम का गुलाम जहाँ सरगरम हो राजनीतिक माहौल। आउ कटु वचन कहते बीजेपी नेता, मेरा तो कलेजा कांप उठता है यह सोच कर कि जब दिल्ली की 40% जनता झुग्गियों में रहती है तब कोई मुख्यमंत्री कैसे आलीशान घर में रह सकता है। कथनी और करनी में जितना बड़ा अंतर दिखा है इसने सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं भारत की राजनीति में क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी क्रिएट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी ढंग की बातों के कारण अक्सर संपूर्ण राजनैतिक वर्ग के बारे में जनता में अनास्था उत्पन्न होती है। झरका कवाटर क्वालिटी टॉप क्लास, इंटीरियर रोसई घर लॉन्ड्री सब बदलिला। आ सब मैडम मुख्यमंत्री अर्थात सुनीता केजरीवाल का निर्देश थे। जातीय गणमाध्यम तथ्य अनुसार ग्राउंड फ्लोर किचन रे खर्च 31,62,000 टंका। ग्राउंड फ्लोर लॉन्ड्री रे 3 लाख टंका। फर्स्ट फ्लोर लॉन्ड्री रे खर्च होईछि 32,13,000 टंका। सेकेंड फ्लोर आलमारी रे खर्च होईछि 15 लाख टंका। एभले अनेक दामी जिनिष खंजा होईछि मुख्यमंत्री सरकारी बासभवन रे। किंतु सबुठारु बड़ कथा संविधान रो उड़ी जाइछि धज्जिया। लागुछि सत जेमिति दिल्ली रे शासन करुछंति दुई दुईटि मुख्यमंत्री जहाँकु कड़ा निंदा करिछि बीजेपी। दिल्ली की जनता ने एक विश्वास किया था उन बातों के ऊपर, और मुफ्त के नाम पे देने के संदर्भ में अगर मैं ये कहूं कि मुफ्त में उन्होंने सबसे बड़ा धोखा दिल्ली की जनता को दिया है तो यह गलत नहीं होगा। जिसे हम एक पंक्ति में कहें कि धोखे की यही खासियत होती है जनाब कि यकीन के साथ अक्सर मुफ्त में मिल जाता है। तो मुफ्त में उन्होंने कुछ और दिया हो ना दिया हो मगर दिल्ली की जनता के विश्वास को अवश्य छला है। मुख्यमंत्री का बासभवन को नहीं बदलु राजनीतिक पाणीपाग। साधारण उठुची अनेक प्रश्न। दिल्ली मुख्यमंत्री सरकारी बासभवन रे स्त्री भूमिका कौन? सरकारी अधिकारी नहीं नेता मंत्री जाए कहीं मानले मैडम सीएम का निर्देश? संविधान रे भली अपमान दिल्लीवासी ग्रहण करिवे तो? आम आदमी पार्टी सर्वे सर्वा साधारण लोकों नारा देउथवा मनीषर एभली न्यारा शौक आउ पर्दाफाश लोकों को सुहाइब तो? ये सबुर उत्तर आगामी दिन में ही जना पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।